अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना है और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। हमसे आज ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। मैंने कमेंट्स चेक किए थे तो उसमें एक साहब ने हमसे पूछा था कि वार्ड्स जो होते हैं उनके शायद चेहरे पे, किसी बच्चे के चेहरे पे बहुत सारे वार्ड्स थे, तो उसका बहुत इलाज कराया उन्होंने लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा था कि होम्योपैथिक में क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो जी हाँ, होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है। हाँ, इलाज लंबा ज़रूर है लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। तो हमने सोचा कि चलें आज वार्ड्स पे ही हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथिक में इस तरह होता है कि अलग अलग वार्ड्स की अलग अलग दवाई होती है। अब सिर्फ वार्ड से ही ताल्लुक़ नहीं होता कि मस्से हैं, कॉर्न्स हैं, जैसे जिसको गट्ठे बोलते हैं, गट्ठे भी होते हैं, और ये जो वार्ड्स होते हैं ये भी अलग अलग तरीक़ों के होते हैं, अलग अलग तरीक़ों के भी होते हैं, उनकी शक्लें भी अलग अलग होती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो अक्सर जो दवाई दी जाती है, जो मोस्टली लोग दवाई देते हैं, वो थूजा देते हैं। थूजा में जो होते हैं वार्ड ज़रा लंबे होते हैं और जिसको ज़रा सा भी टच हो जाए, जैसे अगर चेहरे पे हैं, इधर हैं, तो शेव करते हुए लोगों को अक्सर टच हो जाएगा तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगेगी, और ज़्यादातर जेनिटल्स पे होते हैं। तो थूजा को भी डिपेंड करता है कि अगर थूजा का पेशेंट है, वो पूरा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको थूजा इंडिकेट करती है, तो ज़रूर उसके वार्ड सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बिलफर्ज अगर सही नहीं होते हैं तो फिर दूसरी दवाओं की तरफ आते हैं, जैसे कि अक्सर लोगों के चेहरे भी होते हैं और गर्दन में बहुत सारे वार्ड होते हैं। अब वो फ्लैट भी होते हैं और थोड़े उभरे हुए भी होते हैं, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस में दवाई दी जाती है और वो सही भी हो जाती है। अक्सर जो है दवाई अगर कुछ अरसे देते रहें तो वो सूख के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ज़्यादातर को लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इन दवाओं से सही हो जाते हैं। बस इसमें यही होता है कि थोड़ी सी जो है वो लगे रहना पड़ता है, थोड़ा विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर को, लेकिन हाँ इससे फ़ायदा होता है। और अच्छा, इसमें कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है, अगर चेहरे पे हैं, फ्लैट हैं और कॉस्टिकम के और सिम्टम्स भी हैं तो इसमें ये दवाई से सही हो जाते हैं वार्ड। कॉस्टिकम है, मैग्नीशियम सल्फ है, ये बहुत अच्छी दवाई है। हमारे पास फेरम पिक्रिकम है, फेरम पिक्रिकम भी अगर है हाथों के पीछे वाले हिस्से पे बहुत सारे वार्ड हैं तो वो सही हो जाते हैं उससे। उसके अलावा नेट्रम कार्प भी लगती है, नेट्रम कार्प के मरीज़ को अगर उसके सारे सिम्टम हैं नेट्रम कार्प दवाई के और उसमें अगर वार्ड्स भी हैं और उसको दवाई दी जाए तो सही हो जाते हैं। और इसमें आती है स्टेफिसाइगेरिया, स्टेफिसाइगेरिया का तो एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है, अगर मरीज़ बहुत गुस्से वाला है और गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है, ज़्यादातर अपने अंदर रखता है गुस्सा और उसमें वार्ड्स भी हैं, तो ये दवाई इसको ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसमें इसके मरीज़ में। फिर हमारे पास आती है डुलका मारा, डुलका मारा ये बहुत ही अच्छी दवाई है, वार्ड्स के लिए दी जाती है। फिर हमारी एक दवाई है रूटा, जो अक्सर जो है वो अगर मोच आ जाए, जिस्म में दर्द, रूटा एक बहुत बड़ी दवाई है, तो वार्ड्स में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर बॉडी में वार्ड्स हैं तो थूजा के अगर और सिम्टम्स भी हैं तो फिर ये बहुत ही जल्दी उससे सही हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो है नेट्रिकम एसिडिकम है, ये भी बहुत ही अच्छी दवाई है, वार्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारे पास आ गई सबाइना, सबाइना भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं तो, लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि कौन से मरीज़ को कौन सी दवाई लगेगी और उसके वार्ड्स की क्या क्या किस्म है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आप हमसे मज़ीद डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इन दवाओं में से किसी एक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ाहिर बेहतर बता सकता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है, तो वो ज़रूर आपको बेहतर बताएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।